सबसे पहले हम यूज करेंगे ये टोनर. तो नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस पॉन्ड्स की क्रीम. मॉइस्चराइज करेंगे हम. नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस क्रीम अच्छे से अप्लाई करना. नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस एमेरिका कलर करेक्टर. नेक्स्ट यूज कर रही हूँ ये किस ब्यूटी का कंसीलर. अच्छे से अप्लाई करना इफ यू हैव डार्क सर्कल्स. हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. अब हम कंसीलर को लूज पाउडर से सेट कर लेंगे अच्छे से. तो गाइस अब हम करेंगे आईलाइनर. तो उसके लिए मैंने लिया है ये पिंक कलर इस तरह का. बिल्कुल सिंपल सा आई मेकअप करेंगे हम. ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना हमें. उसके बाद अब हमें ये गोल्डन कलर अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे अच्छे से. और इसी के ऊपर अब हम सिल्वर कलर ऐड करेंगे. थोड़ा सा इतना विजिबल नहीं होगा बट सेम. अब हम लोअर लिप लाइन पे भी पिंक कलर. हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर. उसके लिए मैंने ये स्केच पेन लिया है. ये हो गया हमारा आईलाइनर. अब हम अप्लाई करेंगे काजल. ओके देन आवर आई मेकअप इज डन. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस पिंक लिपस्टिक एज ब्लश बिफोर फाउंडेशन. अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे अच्छे से. अभी हम करेंगे कंटूर. इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम. अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन. मैंने लिया है ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन. उसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे. आज मैंने ब्लॉक कर लिया अच्छे से. तो ये मेरा फाउंडेशन बन गया. अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट. अब हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर. तो मैं सिल्वर कलर का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक. तो मैं ये एनवाईडी की पिंक लिपस्टिक अप्लाई करूँ. नाउ आई एम अप्लाइंग दिस ब्लू हेवन का मस्कारा. तो हमारा मेकअप डन है बिल्कुल.